कैसे हो आप सब दोस्तों। आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बहुत वायरल भी हुआ है। वो देख के थोड़ा सा बुरा भी लगा यार। मतलब अक्षय कुमार सर के जो पैर पे वो जिस तरीके से उन्होंने वो शॉट दिया है, मतलब शॉट विद अ ब्रोकन लेग, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, वो आपको याद है ना, वो जैकी बगनानी ने भी बोला था उनके बारे में, डिस्पाइट ब्रोकन लेग अक्षय कुमार कंटिन्यू शूटिंग। और उन्होंने किया यार, वो जिस तरीके से पैर को उनके, इट वॉज़ अ सीरियस इंजुरी एंड फिर भी वो शूट किया, वो देख के मुझे तारीफ़ के काबिल है यार। एक आर्टिकल है मेरे पास, तो सोचा आपके साथ मैं पूरा डिटेल शेयर करूँ। मतलब पहले इंग्लिश में भी बताऊँगा, बाद में हिंदी में भी, डोंट वरी। बट ये यार, ये आर्टिकल मुझे लगा ये बात करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो कॉरपोरेट बुकिंग करते, बॉडी डबल यूज़ करते और डर जाते, एक थोड़ा सा बुखार भी हुआ तो। लेकिन यहाँ पे यार कुछ ऐसे भी है लोग जो ऑर्गेनिक कलेक्शन भी देते, मूवी हिट तो हिट, फ्लॉप तो फ्लॉप, लेकिन अपना मेहनत 100 नहीं बल्कि 500% करते, इस टाइप के भी कुछ लोग हैं। एनीवेज, अक्षय कुमार फिनिश डन एक्शन सीक्वेंस इन बड़े मियाँ छोटे मियाँ विद ब्रोकन लेग, जैकी बगनानी सैल्यूट्स हिज डेडिकेशन। अब यहाँ पे देखो एक आर्टिकल है जहाँ पे बोला गया है, मैं आपको पूरा, छोटा सा ही है, डोंट वरी, ज़्यादा बड़ा नहीं वीडियो बनाऊंगा। अक्षय कुमार फिनिश्ड एन एक्शन सीक्वेंस, जो कि मैंने पहले भी बोला आपको कि अक्षय कुमार इज़ नोन फॉर एक्शन हीरो इमेज एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ विल सी हिम इन सेम रोल आफ्टर लॉन्ग ब्रेक। द मेकर्स रिसेंटली लॉन्च द ट्रेलर इन मुंबई ड्यूरिंग द इवेंट। प्रोड्यूसर जैकी बगनानी ने ये चीज़ रिवील की कि जैकी शेयर्ड दैट द लीड एक्टर अक्षय कुमार हैड सफर्ड ब्रोकन लेग एंड येट कम्प्लीटेड शूट ऑफ द मूवी द अटमोस्ट डेडिकेशन ड्यूरिंग एन इंटेंस एक्शन सीक्वेंस। जस्ट अ मिनट, हाँ, ड्यूरिंग द इंटेंस एक्शन सीक्वेंस द एक्टर एंडेड अप विथ मैसिव इंजुरी बट कंटिन्यू टू शूट। या सो मतलब उन्होंने कंटिन्यू, मैं बाद में हिंदी में भी बताऊंगा, डोंट वरी। एंड कंप्लीटेड शूटिंग ऑफ द अपकमिंग ब्लॉकबस्टर। जैकी वॉज स्टन्ड बाय हिज डेडिकेशन एज ही फेल्ड एनी अदर एक्टर। डेफिनेटली यार वो रेस्ट ले लेता कोई भी एक्टर होता, तो कहने का मतलब ये है कि वो सीरियस इंजरी थी, फिर भी उन्होंने शूट कंटिन्यू रखा और शूट जो दिया गया है वो कंप्लीट किया। जैकी बगनानी के अकॉर्डिंग तो ये कहना है कि बाकी कोई भी एक्टर होता तो वो बैकआउट करता, बैकआउट नहीं बट फिर भी हम। एनीवेज, तो मैं यही कहूँगा यहाँ पे दोस्तों कि पहली बात तो ये बहुत ही सीरियस बात है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है। और भाई कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है मेहनत के पीछे कि भाई नहीं, मतलब जिस तरीके से ये हेट फैलाते ये कुछ यूट्यूबर्स, तो भाई ऐसे लोगों से बचो। एंड मूवी तो भाई इन लोगों ने कितना भी रोने दो ना यार, मूवी ब्लॉकबस्टर होके रहेगी। इन लोगों ने जिन जिन मूवीज़ को टारगेट किया है ना, वो ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी है कुछ उनमें से। कुछ गदर 2 को इन्होंने टारगेट किया, इन्होंने सरदार को टारगेट किया, इन्होंने और एक फिल्म थी ना एनिमल को तक टारगेट किया भाई इन लोगों ने। तो इनका अभी तक का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इन हेटर्स का, तो ये हमेशा ही फ्लॉप होते हैं भाई। वैसे ही हमारा वो अंकल है ना पप्पू जी, जो हमेशा ही किसी ना किसी को, मतलब पता है आपको कि किन को वो टारगेट करते रहता है, पोपट उसका ही होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, किसी को बेवजह टारगेट करके आपका कभी भला नहीं होने वाला है, इससे आपकी एबिलिटी नहीं बढ़ती है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ये वीडियो को फैलाइए भाई।